नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी अदाकार, एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने जो है फिल्मों में काफ़ी जो है अहम रोल निभाया है, लोगों की जबान पर हैं, जो है गीता जी जो है हमारे साथ मौजूद हैं। आज उन्होंने जो है एक ऐसा कदम उठाया है, एक ऐसे जो है काम को सराहा है जो एक कैंसर पीड़ित से लोग जो है पीड़ित हैं, उनके मदद के लिए, उनके सहयोग के लिए आगे आई हैं। हम उनसे जानते हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया। सबसे पहले तो आप बताइए, आज आप यहाँ पर आए थे तो क्या मतलब मैं आई थी अपना सपोर्ट देने, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने। मुझे इतना अच्छा लगता है यहाँ ऐसे मौके पे आना। कल मेरा जन्मदिन है तो मुझे कल ये आज मेरे लिए एक गिफ्ट है कि मैं इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करूँ। जिधर भी मैं हेल्प कर सकती हूँ तो मैं करती हूँ, मैं एक हेल्पिंग हैंड बन सकती हूँ तो मुझे वो बनना है, एक बच्चों के लिए जो लड़ रहे हैं लाइफ से। एंड यू नो, एक रियलिटी चेक हमें मिलता है कि हमारी जो तकलीफें कुछ भी नहीं है, ये जो फाइट कर रहे हैं एंड विद अ स्माइल ऑन देयर फेस, कितना अच्छा लगता है उनके साथ टाइम स्पेंड करना। उनके साथ यू नो ये इतने खुश थे, फोटोज खींच रहे थे, यू नो इट्स नाइस। सो आई वांटेड टू बी हियर फॉर देम, ओनली देम। आप जो है जिस तरह से आपको लोग फिल्मों में देखते हैं, काफ़ी लोग पसंद करते हैं आपकी फिल्में जो है, और अब जो आज यहाँ पर आप आए और लोगों ने आपको प्यार दिया, लेकिन एक बहुत बड़ा एक सराहनीय काम है जो आप कर रहे हैं, लेकिन इसमें किस तरह से आप मदद करेंगे लोगों? मैं अपने तरीके से अपने एफर्ट मैं जो करती हूँ, आई डोंट नीड टू डिस्क्लोज टू एनीवन कि मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ। मुझे सिर्फ इतना पता है भविष्य, मुझे इतना पता है कि मैं अपने दिल से जो कर रही हूँ, मैं उनके लिए जितना मदद कर सकती हूँ मुझे वो करना है। एंड आज उनके लिए दिन था, इट वॉज देयर डे, देयर मोमेंट। आपका जन्मदिन जो है, मुझे लगता है कि कल ही आपका जन्मदिन है। जी, कल ही है, तो आज उनके साथ मुझे लगा कि ये बेस्ट मौका है उनके साथ आज टाइम स्पेंड करने का। इट्स लाइक एन अर्ली बर्थडे ट्रीट फॉर मी, तो मुझे बस उनके लिए थोड़े गिफ्ट लेके आई। एंड उनके लिए जो वो खुशी थी उनकी चेहरे पे, वो मेरा दिन बना दिया। अच्छा, तो देखा जाए तो आज जो है पूरे देश में कैंसर पीड़ित से जो लोग हैं, जो परेशान हैं, काफ़ी मतलब परेशानी झेले, उनके पास पैसे नहीं है कि कैसे वो इलाज करें, तो इसके लिए क्या कदम रहेगा आपका? बिल्कुल, यही तो चीज़ है। देखो, ये हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन है जो आप एक है ट्रीटमेंट, दूसरी चीज़ है कि ये जो पेशेंट्स है ज़रूरी नहीं यहाँ के हैं, बहुत दूर से लोग आते हैं, उनकी अकोमोडेशन देना, उनका रहना, उनका खाना पीना, वो भी खर्चा होता है जो हर बंदा नहीं दे सकता है। तो ये सब चीज़ें मिला के दीज गाइज आर हेल्पिंग दम इन वॉट एवर वे। इस द ट्रीटमेंट के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको उनके लिए पैसा नहीं है, यू नो यहाँ तक आना, मतलब इट्स एवरी वन के नॉट अफोर्ड इट, जैसे आपने बोला। तो मेरा तो यही है कि जितना मैं दे सकती हूँ उनको हेल्प करने के लिए, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड यू नो हेल्प देम इन व्हाटएवर वे आई कैन। अभी आप आए जो है यहाँ पर जो लोगों से मिले, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा मेरा, मैंने जैसे बोला, हमें तो यहाँ देखो हम आते हैं एज अ वॉलंट्री थिंग कि हम उनके साथ टाइम स्पेंड करें, टू बी अ मोमेंट, टू बी देयर फॉर देम, टू पुट अ स्माइल ऑन देयर फेस, दे पुट अ स्माइल ऑन माई फेस। एंड इट्स लाइक आई सेड, इट्स जस्ट फॉर देम। एंड मुझे इतना अच्छा लगता है, जैसे आज मैंने जितना भी टाइम स्पेंड किया, यादगार मोमेंट था, एक मुझे याद रहेगा ये कि हर चीज़ नहीं होता कि यू नो ये इवेंट पे जाओ, वो इवेंट, ये भी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी विद देम एट दिस मोमेंट। और उनको एक पुश दो, मोटिवेशन दो, दे लिटिल इनोसेंट किड्स। लगातार आप जो है कई सारी फिल्में बनाई हैं, और अभी आपकी लेटेस्ट फिल्म क्या आ रही है? अभी फ़िलहाल तो मेरा जो चल रहा है वो सिर्फ मैं एक माँ हूँ, और वो किरदार जो है मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ में। एंड बट जी हाँ, एक अपॉर्चुनिटी आ रही है तो मैं वो आपको बहुत जल्दी बताऊँगी कि मेरा नेक्स्ट स्क्रीन अपेयरेंस कब आएगा। Hi guys, thank you for the love and support. Help these kids, help wherever you can. Jitna bhi aap kar sakte ho, chhota, jitna bhi chhota ho, hamesha
एक ऐसी चीज़ है कि इट्स फॉर देम, जस्ट गो आउट देयर एंड हेल्प हूएवर यू कैन, इट्स ऑल गोज फॉर अ गुड कॉज। थैंक यू बहुत बहुत मैडम। जो है देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे लोग हैं लेकिन इस कदम को उठाने वाले बहुत कम हैं, जैसे कि कैंसर पीड़ित से जो है काफ़ी लोग लड़ रहे हैं, उनकी सहयोग के लिए कोई नहीं आगे आता, लेकिन आज यहाँ पर गीता मैडम जो है वो आई है सहयोग में। ये जो है इनकी जो पति जी हैं, जो इनके हस्बैंड हैं, वो जो है हरभजन सिंह हैं, जिनको आप मैचों में देखे होंगे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।